हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज व्लॉगिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग रूबीज व्लॉगिंग। तो हम घाटी जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ये तो वीडियो में देख लेना आप लोग। तो यू कीप वॉचिंग एंड आई एम गोइंग। ये वन नाइट स्टे होगा, क्यों होगा कैसे होगा ये तो पता चलेगा। बाय 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 बाय। We are in Nalwari. इसने कुछ नहीं लिया यहाँ से, ये दो लिया। ये तो मेरा कैमरा का कवर है। नलबाड़ी पर्सनल रेस्टोरेंट। अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ये ना देखो तो मेरा मम्मी का दिल ही पूरा नहीं होगा, घाटी आने का सफर ही पूरा नहीं होगा। Second floor. मम्मी कैसा लगा? अच्छा लगा। सामने चलो अब मैं बाथरूम का रिव्यू कर रही हूँ। ये सब तो मैं घर ले जाने वाली हूँ। इंडियन थिंग्स। गाइस अभी हम अपोलो हॉस्पिटल में आए हैं। मेरी मम्मी का चेकअप के लिए हम लोग गुवाहाटी आए हैं। चेकअप हो जाएगा वन नाइट स्टे के लिए। वन नाइट स्टे करके वापस चले जाएंगे। ओह गॉड। थे 1 बजे और अभी बज रहा है 4 एंड वी आर स्टिल इन द हॉस्पिटल। इतना ज़्यादा भीड़ है। परेशान हो गई हूँ मैं। क्या परेशान हो गई हूँ मैं।
चार बजे तक हॉस्पिटल में ही है। पता नहीं कब आएगा हम लोग का नंबर, पता नहीं हम लोग का नंबर कब आएगा। यहाँ एक इंसिडेंट हो गया है, रूम में पूरा धुआं धुआं भर गया, कोई मॉस्किटो वाला जलाया है किसी रूम में, तो फायर अलार्म बज गया और फिर मेरी मम्मी बोलने लगी भागो यहाँ से, है ना मम्मी। मेरे को डर लगता है, मेरी मम्मी बोलने लगी भागो यहाँ से, पता चला धुआं धुआं हो गया, मतलब फायर अलार्म बज गया, वो कोई धुआँ जलाया तो, बट एवरीथिंग इज ओके, आई एम ओके। हम गए थे एक बजे के करीब वो क्या हॉस्पिटल में, और वापस आए 5:30 बजे, 4.5 घंटा लगा हम लोग का नंबर आने में वो डॉक्टर के पास। कुछ खाया ही नहीं था, अभी रूम में आके जस्ट ड्रेस चेंज किया एंड ऑल, फिर उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया। यू नेवर नो, चलो चलिए। इसमें जाना है बट मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं बड़ी हो गई। पूरी गरम गरम आ रहे हैं। वाह भाई, खत्म हो गया। एक ये हां, दो दो के बेसिन में भी है। सैंडविच, ब्राउन ब्रेड, बिस्किट, लता कौन सा है? एक कप बनाना और चाय। देखो, एक वाटर का जूस, पोहा और सेवई और दाल फ्राई। Time to check out. यहाँ पे इतना भीड़ है क्योंकि यहाँ पे अष्टमी, आज अष्टमी है नवरात्रि का, तो स्नान के लिए भीड़ लगा है, मेला लगा है यहाँ पे। पपीता ले रहे हैं, रखो उधर में, रख रहा है।